जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो मैंने शुरू में भी कहा था कि सीए जो है इसको करने में कितना पैसा लगता है, उसके ऊपर एक ये एक समरी सी है आप लोगों के सामने कि आपने किस तरीके से सीए में आपका क्या क्या पेमेंट्स करनी है और सीए के अंदर आपकी कितनी जो कॉस्ट है वो लगती है। आपको ये देखकर हैरानगी होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पूरा कंप्लीट करने के लिए जो आपने आईकैप को डिफरेंट चीजों की मद में, रजिस्ट्रेशन की मद में, पीआरसी एग्जाम की, कैप की एग्जाम्स की फीस की मद में जो पैसा जमा कराना है, दैट इज टोटल 180,400, 1,80,400 रुपए। और ये ऐसे नहीं है कि आपने आज ही जमा करा देने, ये आपने ओवर द स्पैन ऑफ योर क्वालिफिकेशन करा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आई रजिस्ट्रेशन करानी है तो आपने 10,700 रुपए देने, दिस इज जस्ट ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और आपने ये शुरू में जमा करानी है व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर सीए। पीआरसी की एग्जामिनेशन थी, आपने उस वक्त जमा करानी है 3 महीनों के बाद या 5 महीनों के बाद जब आपने पीआरसी के एग्जाम्स देने हैं। क्या आपके एग्जाम्स की फीस 40,000 नहीं है, ये टोटल 8 पेपर की 40,000 है, पर पेपर की 5,000 होती है, और नॉर्मली ऑन एवरेज आपने एक 6 महीनों की अटेम्प्ट में 3 या 2 पेपर देने होते हैं, तो ये 10 से 15 हज़ार रुपये है। मैंने यहाँ पे टोटल फिगर लिखी, और 10 से 15 हज़ार रुपये आपने वो भी कब जमा कराने, हर 6 6 महीने के बाद, ठीक है। ये ट्रेनिंग की जो रजिस्ट्रेशन फी है, जब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, तो उस वक्त आपने 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी ट्रेनिंग की देनी है। सीफैप के 6 पेपर्स हैं और पर पेपर जो फी है उसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई करके 40,000 यहाँ पे लिख दिया है, और ये भी आपने यकमुश्त जमा नहीं कराना है, ये आपने तब तब जमा कराना है जब जब आपने वो पेपर देना है। और एनुअल सब्सक्रिप्शन 13,200, ये भी हर साल की सब्सक्रिप्शन है जिसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, 1,200 रुपये एक साल की सब्सक्रिप्शन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ऑन एवरेज हर 6 महीनों के बाद आपने जो आईकैप को फीस जमा करानी है, दैट इज जस्ट 10 to 15,000, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है जी। 15 से 20 हज़ार रुपये हम कर लेते हैं कि जब आपने एग्जाम देने हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन फी है या ये वाली फी है, तो दैट्स इट। ये कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है, जब आप इसे कंपेयर करते हैं किसी भी और क्वालिफिकेशन के साथ, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। जहां तक बात है क्लासेस के पढ़ने की, तो सीए मेड इजी इस वक्त आपको जो सबसे जो अच्छी प्राइस ऑफर कर रहा है, सबसे अच्छा अच्छी जो सर्विसेज ऑफर कर रहा है, उनकी टोटल जो पूरे के पूरे सीए को पढ़ने की फीस है, दैट इज 200,000, जो कि अगेन आपने एक दफा नहीं देनी है। आप जब कैफ में होंगे, जब आप पीआरसी में होंगे, तो आपने पीआरसी का पैकेज लेना है, 35,000 का पैकेज। और मजे की बात यह है कि इसमें भी बहुत जबरदस्त डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। जब आपने कैफ पढ़ना है, तो आपने उस वक्त कैफ के पैकेज की पेमेंट कर देनी है। जब आपने सीफा पढ़ना है, यानी कि थर्ड लेवल 3 में, जो कि तकरीबन 1.5 से 2 साल के बाद आएगा, तो आपने उस वक्त 60,000 रुपये पे करने हैं, और उसमें सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो जाएंगे। जब आपने एमएस पढ़ना है एट द लास्ट स्टेज ऑफ योर सीए, तो उस वक्त आपने ये 40,000 जमा कराना है। तो ऑन एवरेज तकरीबन 20 से 25 हज़ार, 15 से 20 हज़ार जो है वो आप इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी भी जो है ना वो पे कर रहे होंगे। अभी डिफरेंट इंस्टीट्यूट की डिफरेंट होती है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फी, हाई फी चार्ज करते हैं। सीएमईडीसी के ऊपर हम लोग काफी लो फीस चार्ज करते हैं, जिसकी बहुत सारी रीजंस हैं। तो जनाब ये देखिए कि दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपकी सीए की ये टोटल कॉस्ट है। तो आई एम श्योर कि आप लोग इसके ऊपर हैरान हुए होंगे कि यार इतनी कम फी में, और ये सारी की सारी फी मैंने इकट्ठी करके लिखी है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन की फीस है जो मैंने इकट्ठी करके लिखी है। जब आप इसको थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के पे कर रहे होंगे, तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मैंने पहले 2 जो साल थे, मैंने पहले 2 साल अपने घर वालों से फीस ली, उसके बाद फिर मैं खुद भी कुछ ना कुछ पढ़ाना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू पे माई फी बाय माई सेल्फ। तो मैंने उसके बाद घर वालों से कभी पैसे नहीं लिए, ठीक है। और ये इसलिए नहीं था कि मेरे घर वालों ने कहा कि यार अब तो हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, बट इट वॉज सो इजी, सो मैनेजेबल, सो अफोर्डेबल कि मुझे इसमें इस तरह की किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं थी कि यार मेरे पास अब पैसा नहीं है, फीस मैं कहाँ से लूँ, फीस मुझे घर वालों से लेनी पड़ेगी। आई वॉज वेरी इजिली मैनेजिंग द फी फ्रॉम माई ट्यूशन जो कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको इसमें और भी एक मजे की बात बताता हूँ। अभी आप हैरान हुए, अब मैं आपको परेशान करता हूँ। अगर आप इस बॉक्स को देखें, तो यहाँ पे है एक बड़ी मजे की चीज, जिसे हम कहते हैं स्टाइपेंड। स्टाइपेंड एक स्कॉलरशिप को कहते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। 3.5 साल की ट्रेनिंग के दौरान हर मंथ महीने आपको एक एनुअल स्टाइपेंड मिलता है, हर महीने आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है, विच इज करेंटली 16,500। आज
कल जो बच्चे आर्टिकल्स कर रहे हैं उनको 16,500 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। और एक और मजे की बात ये है कि जब हम इस 16,500 को 3.5 साल के ऊपर जब कन्वर्ट करते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हर साल 10% का इंक्रीमेंट भी इसमें लग जाता है, तो आपको आपकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान ही 7,87,149 रुपये वापस मिल जाएंगे। यानी कि टोटल क्वालिफिकेशन की कॉस्ट का अप्रोक्सीमेटली 2 गुना आपको वापस मिल जाता है। सही है? तो अगर ये कहा जाए कि सीए करने के आप पैसे नहीं देते बल्कि सीए की फील्ड आपको पैसे देती है, तो ये गलत नहीं होगा। जहां पे भी आप आर्टिकल्स कर रहे होंगे, आर्टिकल्स हर बंदे को मिलने हैं। जो भी बंदा लेवल 2 क्लियर करेगा उसको आर्टिकल्स मिलेंगे, और उसको आर्टिकल में ये अमाउंट मिलेगी। यानी कि बाय द एंड ऑफ योर क्वालिफिकेशन आपका कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, आपको एक्चुअली पैसे मिले होंगे इफ यू सी इट दिस वे। ठीक है जी? और 16,500 रुपए जो हैं आजकल मिल रहे हैं बच्चों को, और आगे हर मंथ हर ईयर में इसमें एक इंक्रीमेंट भी लगता है। तो उसका एक अंदाजन सी अमाउंट मैंने बनाई है। ईयर 1 16,500 के ऊपर 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है मैंने। ईयर 2 18,150, यानी कि 10% इंक्रीमेंट के बाद 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और ईयर 3 12 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ईयर 4 जो है वो मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये कैसी मजे की बात है कि आपको जो भी आपकी कॉस्ट है वो ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन ही, ड्यूरिंग योर एजुकेशन ही आपको रिकवर हो जाती है। इससे भी एक और मजे की बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आईकैप ने स्कॉलरशिप को पेपर पास करने के साथ फिक्स कर दिया। यानी कि अगर आपका कोई भी पेपर पास नहीं है तो आपको मिनिमम रेट मिलेगा 16,500 पर मंथ। बट अगर आप सीफैब के कोई भी 3 पेपर पास कर लेंगे, तो जिस दिन आपके सीफैब के 3 पेपर पास हो जाएंगे उसके आगे से ऑनवर्ड आपको 22,400 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन अभी मैंने इसमें नहीं डाली, ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने भी 16,500 रुपये के हिसाब से की है। अगर आप सीफैब के सारे पेपर पास कर लें या सीफैब और एक एमएसए का पेपर पास कर लें, तो ये फी आपकी 31,100 हो जाती है। यानी कि अगर आप 4 पेपर पास करें तो 31,100, कोई भी पेपर पास नहीं 16,500, 3 पास करें 22,500 ले लें, 4 पास करें 31,100 ले लें, और सारा का सारा कैफ जब सारा का सारा आप पास कर लेंगे ड्यूरिंग योर आर्टिकल्स, तो फिर आपको 61,900 रुपये मिलेंगे। और ऑब्वियसली ये आज के रेट्स हैं जो कि हर साल 10% इंक्रीमेंट के साथ आगे चले जाने हैं। तो आप ये देखें कि ये क्वालिफिकेशन आपको इतना फैसिलिटेट कर रही है। शुरू शुरू में आपने कुछ पेमेंट्स करनी है, उसके बाद आपकी पेमेंट्स जो है जब आपके आर्टिकल्स लग जाएंगे तो फिर वो पेमेंट्स जो है वो इनके साथ सेटअप होती चले जाएंगी। तो दिस वॉज ए वेरी ब्यूटिफुल स्लाइड जिसका मुझे बड़ा मजा आया जब मैं उसको डिजाइन कर रहा था, कि यार आई कैन से फॉर श्योर कि जनाब सीए इज दी मोस्ट अफोर्डेबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और इसमें आपको क्वालिफाई करने के पैसे मिलते हैं। हमारा प्रोफेशन आपको पैसे देता है, ना कि आपके पैसे लेते हैं, और आपको इस दुगने पैसे वापस मिलते हैं, और ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन ही दुगने पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। तो है ना मजे की बात।